यकीन करेंगे कि स्कूल में बिना किताबों के भी पढ़ाई होती है? यूपी में ऐसा ही हो रहा है। वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। आरोप है कि कमीशनखोरी के चक्कर में सरकारी किताबें वक्त पर नहीं छापी जा सकी, जिसकी वजह से बच्चे पांच पांच महीनों से किताबों के बगैर ही स्कूल जा रहे हैं। वहीं कुछ स्कूल में बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देश में चारों तरफ नारे लग रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इन नारों की गूंज शायद यूपी के सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुंच रही है। तभी तो यहां बच्चे उन किताबों से ही महरूम हैं जो उन्हें सरकार से मुफ्त में दी जाती हैं। इसका नतीजा ये है कि यहां बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन बिना किताब के, और बिना पढ़े ही घर लौट आते हैं। अखिलेश राज में यूपी के सरकारी स्कूलों की यही हकीकत है। एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे पांच महीने में करीब आधी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1.5 करोड़ बच्चे अभी किताब मिलने का ही इंतजार कर रहे हैं। किताबें मिल जाती नहीं, तुम लोगों को मिली पढ़ाई की? अभी नहीं मिली। तो फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल? अब मैम पढ़ा रही है पुरानी किताबों से। अभी नहीं मिली। तो फिर कैसे पढ़ रहे हैं? मैम ऐसे ही पढ़ा रही है। ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आपको बिना किताबों से? झांसी पुलिस लाइन के सरकारी स्कूल में पांचवी का छात्र मनीष ऐसे गरीब परिवार से है जो कि उसे किसी कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, लिहाजा उसका दाखिला सरकारी प्राइमरी स्कूल में कराया गया, पर किताबें ना मिलने से उसकी पढ़ाई ठप है। यही हालत स्कूल के बाकी बच्चों की भी है। शिक्षा अधिकारी भी मानते हैं कि किताबें छपने में देरी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी दावा करते हैं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कोई बाधा नहीं आ रही है। मैंने जनपद के कई विद्यालयों में, मंडल के कई विद्यालयों में मैंने भ्रमण किया है और बच्चों के पास किताबें हैं। ये जरूर है कि पुरानी किताबों से अध्ययन अध्यापन का काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। यही हाल इलाहाबाद के लीडर रोड प्राइमरी स्कूल का भी है। दूसरे बच्चों की तरह शालिनी और पूजा की पढ़ाई भी किताब के बगैर ही चल रही है। वो स्कूल आती हैं, मिड डे मील खाती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। टीचर कहती है कि अभी ऑफिस भी गई, अभी किताब नहीं आई है, जब आएगी तो जाने जाएंगे लेने के लिए। हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है। नहीं आई किताबें? क्या बोलती टीचर? टीचर अभी ऑफिस में भेजी हुई है किताबें के लिए, अभी आधी किताब आई है, थोड़ी अभी नहीं आई है। अब कुछ किताबें जो नहीं आई हैं वो बच्चों को पढ़ाते उसमें दिक्कत हो रही है। वो कुछ जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे पुरानी किताबें हम लोगों ने दिलवा दिया है बच्चों को, जब तक इससे पढ़ो इसके बाद जब आएंगे तो मिल जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कानपुर की तस्वीर। यहाँ भी सरोजनी नगर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सरकार से किताबें मिलने का इंतजार है। बच्चों का कहना है कि पिछले साल भी उन्हें पुरानी किताबों से ही काम चलाना पड़ा था। किताबें नई नई मिली हैं, अभी पुरानी हम लोग को मिली है। पाँच महीने थे नई पुरानी किताब से पढ़ ले, नई किताब अभी नहीं आई है। मुझे अभी किताब नहीं मिली है, पुरानी किताब से पढ़ रही हूँ। सेशन के मुताबिक यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अप्रैल तक किताबें मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पांच महीने बाद भी उनके हाथ में किताबें नहीं हैं। ये बच्चे अखिलेश अंकल से किताबें मांग रहे हैं। वैसे ये कहानी किसी एक शहर या कस्बे की नहीं है, ये कहानी पूरे यूपी की है। आपको बता दें कि यूपी के सरकारी स्कूलों की अगर हम हालत देखें, उनमें करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं गरीब जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों के माँ बाप इन्हें प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। यूपी की बात जहां तक हम कर रहे हैं तो वहां पर करीब 1,72,000 प्राइमरी स्कूल्स और लगभग 60,000 अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं। सर्व शिक्षा अभियान में प्राइमरी स्कूल के लिए 15,397 करोड़ रुपए का बजट है। 200 करोड़ रुपए मिड डे मील के लिए दिए गए हैं। 700 करोड़ रुपए का जो बजट है वो बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए है। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त ड्रेस के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बच्चों को मुफ्त जो बस्ते हैं वो देने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है।
यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 5 महीने बाद भी किताबें नहीं मिलने की बड़ी वजह है कमीशन खोरी। जानकारों की माने तो किताबों की छपाई में टेंडर माफियाओं और कमीशनबाजी का खेल होता है। यूपी में किताबों की छपाई के लिए करीब 700 करोड़ रुपए के ठेके बांटे जाते हैं, लेकिन इस बार कमीशन के चक्कर में ना तो ठेके बांटे जा सके ना ही किताबें छप पाई। विरोधी दलों ने किताबों की छपाई को मुद्दा बनाकर अखिलेश सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश सरकार जो है धोखा दे करके, जैसे नौजवानों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, वैसे भावी जो हमारा देश का भविष्य है उसको भी धोखा देने का। जो भी उसमें टेंडर वगैरह देता है उससे चाहते हैं कि अधिक से अधिक वो कमीशन हमें दे, तभी वो टेंडर उनका मंजूर होगा, तो इसलिए वो छप नहीं पा रहे हैं। वहीं सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहकर अपनी सरकार की तारीफ करने में जुटे हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा को सुधारने का बड़ा काम किया है। हालांकि वो ये मानते हैं कि किताबें बच्चों को नहीं मिली हैं और जल्द ही मुहैया करवाई जाएंगी। कैसे क्यों डिले हुआ आप जानते हो कि लोगों ने इसमें बहुत अदालतों में किया, लेकिन उस डिले के बाद बहुत ही अच्छी किताब अदालती ने कहा था बांस के कागज से छापने के लिए, इसमें सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही है, जिससे किताबें और पढ़ाई का इतना नुकसान हुआ कि पुरानी किताबें ऑलरेडी जमा करा ली गई थी। मंत्री जी यूपी में बेहतर शिक्षा का नया रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे की हकीकत देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये सपना पूरा हो पाएगा। जो सरकार गरीब बच्चों को वक्त पर किताबें मुहैया नहीं करा पा रही, क्या वो बच्चों की तकदीर सवार पाएगी? सरकारी स्कूलों की बदहाली से नाराज हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था, फैसला अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। इस फैसले से इस कदर हड़कंप मचा था कि यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चली गई, और स्कूलों में किताबों की कमी ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ने इस फैसले से कोई सबक नहीं लिया। अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।